स्टूडेंट वेलकम बैक. टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट पोएम ऑफ दिस बुक ए होम ए हाउस. आज हम ए होम और ए हाउस पोएम को डिस्कस करते हैं. ये फर्स्ट पोएम है इस बुक की. तो इसके जो स्टेंजा हैं पहले उनको देख लेते हैं. व्हाट इज ए हाउस, हाउस क्या है, मतलब एक हाउस किसको कहते हैं हम. इट्स ब्रिक्स एंड स्टोन एंड वुड दैट हार्ड, कि इसके अंदर जो यूज़ होती हैं ब्रिक्स, ईंटें हैं, बजरी है, लकड़ी है, वो सब हार्ड होते हैं. सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स ए यार्ड. इट्स ईव एंड चिमनी एंड टाइल फ्लोर. इसमें कुछ खिड़कियां भी होती हैं, खिड़कियों में ग्लास शीशे कांच लगा होता है. और इसमें जो घर हमारा हाउस है उसमें यार्ड बगीचा भी हो सकता है. चिमनी होती हैं जो ईव्स, जिनको हम छज्जा बोलते हैं, छज्जा भी होता है. और टाइल्स हैं, स्टक्को, और उस पर जो है प्लास्टर किया होता है, छत है, रूफ है, लॉट ऑफ डोर्स हैं, कई दरवाजे भी होते हैं. ये इस पोएम के जो हाउस है, हाउस और होम के अंदर जो डिफरेंस बताया गया कि हाउस किसको कहते हैं, होम किसको कहते हैं. हाउस में तो ये सभी चीज़ें होती हैं, ब्रिक्स, पत्थर, ईंट पत्थर, जो उन चीज़ों को मिला के हम घर को निर्माण करते हैं, जिनसे हमारा घर बनता है. राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट. इस पोएम का पोएट और पोएम का नाम क्या है. इसके पोएट का नाम पोएम है, नेम द पोएम इज ए हाउस ए होम एंड दैट ऑफ द पोएट इज लॉरेन एम हाली. जिसका पोएट है वो लॉरेन एम हाली है. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज ए हाउस मेड ऑफ, कि जो मकान है, हाउस जो मकान है वो किससे बनता है. आंसर है, ए हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन एंड वुड, कि लकड़ी से, पत्थर से और ईंटों से हम अपने मकान को बनाते हैं. थर्ड क्वेश्चन है, नेम फोर थिंग दैट ए हाउस हैज़. वो चार चीज़ें बताएं जो हमारे घर में होती हैं, मकान में होती हैं. फर्स्ट, ए हाउस हैज़ ईव्स, चिमनीज, टाइल फ्लोर, डोर एंड विंडोज़. ईव्स होंगे, हमारे छज्जा निकाले होते हैं बाहर. चिमनी होती हैं मकान के अंदर. टाइल फ्लोर, टाइल का फर्श बना होता है. और डोर हैं, दरवाजे और खिड़कियाँ हमारे मकान में होती हैं. लास्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द रिदमिक वर्ड इन द स्टेंजा. रिदमिक वर्ड होते हैं जो शब्द एक जैसी आवाज़ देते हैं. जैसे हमने अभी स्टेंजा पढ़ा था, स्टेंजा में जो रिदमिक वर्ड हैं, देखो हार्ड और यार्ड, ये दोनों शब्द एक जैसी आवाज़ आ रही है, परंतु इनके स्पेलिंग अलग अलग हैं, इनका मतलब भी अलग है. हार्ड और यार्ड, इनकी जो रिदम है, आवाज़ है, वो एक जैसी है, इसलिए इनको रिदमिक वर्ड बोलते हैं. फ्लोर और डोर, दोनों का मीनिंग अलग है. फ्लोर फर्श होता है, डोर दरवाजे होते हैं, फ्लोर्स और डोर्स, परंतु इनकी जो साउंड है वो एक जैसी महसूस होती है, एक जैसी होती है. सेकंड स्टेंजा है, इसमें पूछा गया व्हाट इज ए होम. तो पहले हमने मकान पढ़ा था कि मकान क्या होता है, अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज ए होम, घर क्या है, घर किसको कहते हैं, घर में कौन होता है, कौन कौन रहते हैं, किन को जो मिला के घर बनता है. इट्स लवली एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स, कि जो घर होता है वो उसमें प्यार होता है, सभी फैमिली के मेंबर रहते हैं और सभी एक दूसरे के लिए अपना दायित्व निभाते हैं. इट्स ब्रदर एंड सिस्टर एंड फादर एंड मदर्स, कि इसमें भाई बहन, माता पिता सभी मिलकर रहते हैं. इट्स अनसेल्फिश एक्ट एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोविंग योर लव्ड अवन यू आर ऑलवेज केयरिंग, कि सभी एक दूसरे के प्रति, किसी के मन में ये नहीं होता कि सेल्फिशनेस की भावना नहीं होती, सभी एक दूसरे की केयर करते हैं, परवाह करते हैं, सभी एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो सभी मिलके एक दूसरे की देखभाल भी करते हैं. तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, व्हाट इज ए होम. अब होम किसको कहते हैं, होम इज ए फैमिली हुज मेंबर आर लविंग एंड केयरिंग. होम किसको कहेंगे, होम इज ए फैमिली, होम उस परिवार को कहते हैं जिसमें सभी मेंबर मिलकर एक दूसरे से प्यार से और एक दूसरे की परवाह करते हैं, प्यार से रहते हैं. सेकंड क्वेश्चन है,
व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ए फैमिली, फैमिली किनको मिलाकर बनती है? फैमिली फादर्स मदर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कॉन्स्टिट्यूट ए फैमिली, कि पिता माता भाई बहन सभी मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डू द मेंबर ऑफ ए फैमिली केयर फॉर वन अनदर, कि जो परिवार के सदस्य होते हैं वो एक दूसरे की देखभाल क्यों करते हैं, एक दूसरे की केयर परवाह क्यों करते हैं? द मेंबर ऑफ ए फैमिली केयर फॉर वन अनदर बिकॉज दे आर काइंडली एंड अनसेल्फिश, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की परवाह इसलिए करते हैं कि एक तो वो दयालु होते हैं और दूसरा वो अनसेल्फिश होते हैं, उनमें स्वार्थ की भावना नहीं होती, अपने परिवार के प्रति वो अपना दायित्व निभाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रिदमिक वर्ड इन द स्टेंजा, जैसे हमने फर्स्ट स्टेंजा में रिदमिक वर्ड ढूंढे थे एक जैसी आवाज़ थी, तो यहाँ पर भी कुछ रिदमिक वर्ड हैं, वो कौन से हैं? अदर्स मदर्स, देखो दोनों का मतलब, अदर्स का मतलब होता है और, मदर्स होता है माता माताएं, और ये दोनों की जो आवाज़ है वो एक जैसी है परंतु मीनिंग दोनों के अलग है। दूसरा शेयरिंग और केयरिंग, शेयरिंग और केयरिंग ये दोनों भी अलग अलग मीनिंग है इनके, शेयरिंग करना मिल बांटना, एक दूसरे को बांट कर कोई चीज़ देना, केयरिंग एक दूसरे की परवाह करना, तो दोनों के मीनिंग अलग हैं और जिनकी आवाज़ जो है एक जैसी है। तो ये थी हमारी पोएम ए होम ए हाउस, दोनों में क्या डिफरेंस है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, तो इसलिए जो मुझे लगता है कि आपको समझाने का काम है वो मैं बुक से समझा देता हूँ आपको, परंतु जो क्वेश्चन जिनके नीचे आपको हिंदी भी साथ में दी गई है उसको तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप समरी पढ़ के उसको कर सकते हो। तो ये पोएम आप उन्हें राइट और लर्न करनी है, अगर आपको समझ ना आया हो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव ए गुड डे।